तो शेर पढ़ता हूँ कि किसी मजलिस में जब नाते शहे आलम सुनाते हैं, किसी मजलिस में जब नाते शहे आलम सुनाते हैं, फजाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। फजाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। फजाएं रश्क करती हैं, फजाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। पूरे यकीनो एतमाद गुजारिश करते हैं, आए हुए हमारे मुअज्जज मेहमान मौलाना अतीकुर रहमान साहब कासमी जामे मस्जिद आनोक आजमगढ़, वो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं बिना किसी ताखिर उनसे गुजारिश करता हूँ, बिना किसी लम्हे इंतजार के माइक उनके हैंडओवर करता हूँ, और ये कहते हुए बहुत बुलंद है रुतबा यह हर मुअज्जिन का, बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है रुतबा हर एक मुअज्जिन का, बहुत बुलंद है रुतबा हर एक मुअज्जिन का, मगर वो बात कहाँ जो मेरे बिलाल में है, मगर वो बात कहाँ जो मेरे बिलाल में है, मगर वो बात कहाँ जो मेरे बिलाल में है। मुलाकात की जाए हजरत मौलाना अजीजुर अतीकुर रहमान साहब कासमी से, माइक में उनके हवाले करता हूँ, उनकी गुफ्तगू उनकी तकरीर समाप्त करें, और यह मुशायरा इसी तरह जलसा इस्लाह माशरा कामयाब करते रहे। पूरे यकीन व एतमाद के साथ हजरत मौलाना अतीकुर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सज्जियाति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے सीनों में अदावत जाग उठी इंसान से इंसान टकराए पामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने पामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ मोहम्मद ले आए कुरा भी दिया तलवार भी दी दुनिया भी आता की उकबा भी कुरआ भी दिया तलवार भी दी दुनिया भी अता की उकबा भी मरने को शहादत फरमाया जीने के तरीक़े समझाए। मेरे मुहतरम मुअज्जज़ व मुकर्रम सामईन किराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और उसका करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सबको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये उम्मत मुहम्मदिया का बहुत बड़ा एजाज़ है। बहुत कीमती बात हो रही है, आप हजरात शोर गुल मत करें, हजरत का बयान सुने, बहुत कीमती बात कह रहे हैं, बहुत कीमती बात हो रही है, थोड़ा खामोश हो जाए सिर्फ 10-15 मिनट के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले
दुनिया में तारीकी छाई हुई थी, जुल्म व सितम का गलबा था, लोग आपस में टकरा रहे थे, मार धाड़ का दौर था। ऐसे वक्त में यहाँ तक कि लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे और इसको बच्चियों को जिंदा दरगोर करने को एक कामयाबी समझा जाता था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर नबी बनाकर मबूस फरमाया, आप रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ लाए, आपके आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को उनका हकूक दिया और बताया वालदैन का मकाम व मर्तबा क्या है, बच्चियों का मकाम व मर्तबा क्या है। यहाँ तक कि एक नौजवान सहाबी हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक जगह से होता है, हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी ईमान नहीं लाए थे, नौजवान सहाबी थे, बहुत हसीन और खूबसूरत सहाबी थे, अभी ईमान नहीं लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनके चेहरों को देखा और आपने ये सोचा कि ये नौजवान लड़का इंतहाई खूबसूरत है, अगर ये मुसलमान हो जाए, अगर ये ईमान में दाखिल हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और रात के अंदर ये दुआ करते हैं, ऐ बारी ताला उस नौजवान यानी दहिया को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा। आखाए नामदार ताजदार मदीना जलाम मोहम्मद और अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, सुबह होती है, दहिया कल्बी आपके दरबार में हाजिर होते हैं और ये अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान में दाखिल होने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, लेकिन ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़माने जाहिलियत में ऐसे गुनाह किए हैं जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं है, मुझे लगता है कि आपका खुदा, आपका रब, आपका अल्लाह मेरे उस गुनाह को माफ नहीं फरमाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया से अर्ज किया, ऐ दहिया बताओ तो सही, वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा जुर्म है जो तुमने इतना बड़ा जुर्म किया, जो नाकाबिले तलाफी है, जिसको अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। हजरत दहिया करते हैं, कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाने जाहिलियत का दौर था, मेरी बीवी हामला थी, हमल से थी, मुझे कहीं सफर दरपेश था, मुझे जाना था, मैंने अपनी बीवी से ये कहा, अहलिया मुहतरमा मैं तो सफर में जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर बच्चे की पैदाइश हुई तो बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए है, हमारे माशरे के अंदर, हमारे ख़ानदान के अंदर मेरी इज्जत होगी, क्योंकि बच्चे की पैदाइश हुई है। जैसा कि आजकल हमारा माशरा भी उन्हीं चीज़ों की तरफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन हज़रत दहिया ने कहा, ठीक है मैं तो सफ़र पे जा रहा हूँ, लेकिन अगर बच्चे की पैदाइश हुई तो तुम उसे कत्ल कर डालना, उसे जिंदा दफन कर देना और मार डालना। हज़रत दहिया निकलते हैं और सफ़र पर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब ये वापस आते हैं और जब घर के दरवाजे पर पहुँचते हैं और दस्तक देते हैं, अचानक एक बच्ची दरवाज़ा खोलती है। हज़रत दहिया पूछते हैं उस बच्ची से जो उन्हीं की बेटी है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से यहाँ आई हो। उस बच्ची ने जवाब दिया, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। हज़रत दहिया कहते हैं, अगर ऐसा है तुम उस मालिक की बेटी हो तो मालिक मैं ही हूँ। चुनांचे दहिया अंदर जाते हैं, अपनी अहलिया से पूछते हैं, ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कहाँ से आई, मैंने तुमसे कहा था ना अगर बच्ची की पैदाइश होगी तो इसको जिंदा मार देना, दफन कर डालना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। आखिर हजरत दहिया सारे वाक़ियात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ दहिया उसके बाद क्या हुआ। हजरत दहिया कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन मैं उसको अपने
बहला फुसला के कहता हूँ, चलो तुमको तुम्हारे नानियाल टहला के लाता हूँ। चनाचे वो बच्ची है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत प्यार करती थी। वो बच्ची मेरे पीछे हो लेती है। जब मैं पहुँचता हूँ ऐसे जंगल में, एक गड्ढा खोदता हूँ, और गड्ढा खोदने के दौरान जो गर्द गुबार मेरे ऊपर आता है, जो मिट्टी आती है, वो बच्ची बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से उसको साफ करती है। और जब वो वक्त आता है, गड्ढा तैयार हो जाता है, उस बच्ची का हाथ पकड़कर गड्ढे के अंदर डालता हूँ, तो बच्ची आखिरी वक्त में कहती है, ए अबू जान, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझको जिंदा दफन करने जा रहे हैं। मैं आपसे ज़िंदगी का सवाल नहीं करती, मुझे छोड़ दीजिए। हज़रत दहिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके ज़ुबानी ये वाक़ियात को सुना, आपकी आँख मुबारक से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया से पूछा, अरे दहिया, उसके बाद क्या हुआ? हज़रत दहिया कहते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद मैंने उस बच्ची को दफन कर दिया और मैंने उसकी ज़िंदगी की परवाह नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ियात को सुन रहे हैं और आपकी आँख मुबारक से आंसू जारी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दहिया दोबारा इस वाक़िये को बयान करो। हज़रत दहिया ने दोबारा वाक़िये को बयान फरमाया, आपकी आँख मुबारक से दोबारा आंसू की लड़ियाँ जारी थी। लेकिन इस्लाम का यह ज़ाब्ता है, इस्लाम का यह कानून है, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, कि जो शख्स इस्लाम में दाखिल होता है, जो मुसलमान होता है, ये इस्लाम की यह खूबी है, उसके साबका गुनाहों को इस्लाम मिटा देता है, ख़त्म कर देता है, उसके गुनाह जैसे भी हो। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ दहिया, ईमान में दाखिल हो जाओ, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हज़रत दहिया रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम में दाखिल हुए और फिर अल्लाह तबारक व ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हुम का ख़िताब दिया गया। आपसे पहले बच्चियों को कोई अहमियत नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने मबूस फरमाया, आपने बच्चियों को ज़िंदगी दी, आपने बच्चियों को हुकूक़ दिलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके 3 बच्चियां हो और वो अच्छी तरह उसकी परवरिश करे, देखभाल करे और उसको अच्छी तालीम दे, और फिर जब वो बड़ी हो जाए उसको अच्छी जगह उसकी शादी कर दे, अल्लाह तबारक व ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त आता है, यही बच्ची है अभी, कभी माँ बनती है, जब माँ बनती है तो अल्लाह तबारक व ताला इसके कदमों के नीचे जन्नत को लाकर रख देता है। यही बच्ची जब बेटी बनती है तो अल्लाह तबारक व ताला नेमत उज़्मा करार दिया है उस बेटी को। यही बेटी जब किसी की बहन होती है तो ये एहतराम का पैकर कहा गया है, ये एहतराम का पैकर है। मेरे मोहतरम दोस्तों, यही बच्ची जब माँ बनती है और फिर इसके हुकूक बदल जाते हैं और बच्चे और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने वालदैन पर यह वाजिब करार दिया है कि वालदैन माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की बातों को माने। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, वखदा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना, कि अल्लाह तबारक व ताला ने यह हुक्म दिया है वालदैन के बारे में कि अय लोगों, वालदैन के साथ उसने सलूक का मामला करो, उनके साथ नरमी से पेश आओ, उनके साथ बुराई से मत पेश आओ। और फिर आगे अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ्फ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब उससे तुम बात करो, नरम अंदाज में बात करो, नरम लहजे में बात करो, सख्त के साथ पेश ना आओ। क्यों? अगर इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो अपने बाजुओं को उनके सामने बिछा दो। वो मकाम मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला ने वालदैन के बयान फरमाया। लेकिन आजकल हमारे माशरे की हालत इतनी बदतर होती जा रही है, वही वालदैन जिन्होंने चलना सिखलाया था, बोलना नहीं आता था,
बोलना सिखलाया था, चलना नहीं आता था, चलना सिखलाया था। जब जरा सा पर और पुर्जे निकल आए, उसी माँ बाप को आग दिखाना शुरू कर दिया, उसी माँ बाप को डांटना शुरू कर दिया, उसी माँ बाप पर तरह तरह के तंज और तान और तशरीह करना शुरू कर दिया। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नौजवान आपकी खिदमत में आता है और ये अर्द करता है, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप ने मेरा हुकूक गसब कर लिया है, मेरे साथ ज्यादती का मामला करता है। एक नौजवान अपने बाप की शिकायत करने के लिए आकाए नामदार के दरबार में आता है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को भेजते हैं कि जाओ जरा इसके वालिद को बुलाकर तो लेकर आओ, आखिर वजह क्या है, माजरा क्या है। जब वो सहाबी जाते हैं, वालिद को बुलाकर लेके आते हैं, वालिद यानी बाप जब घर से निकलता है तो अपने दिल ही दिल के अंदर कुछ अशआर पढ़ता है जिसके उसके कानों ने खुद भी नहीं सुना था, और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होता है। इतने में जिब्रील अमीन आसमान से तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह के नबी से अर्द करते हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप तो उनसे यह पूछिए, वो शख्स उस बाप से इन घर से निकलने से पहले जो तुमने अशआर पढ़े थे, दिल ही के दिन जो तुमने अशआर कहे थे, वो अशआर क्या है, जरा वो तो पढ़कर सुनाओ। चुनांचे उस बाप ने ये अर्द किया, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अशआर मैंने उस वक्त पढ़े थे, मेरे कान ने भी नहीं सुने थे, मैंने दिल ही के दिल के अंदर पढ़ा था, किसी को उसकी खबर भी नहीं थी, आपको कैसे खबर हो गई, मेरा आपकी नबूवत पर यकीन और बढ़ गया। चुनांचे उस बाप ने वो बाप अशआर सुनाना शुरू किया कि गदौतुका मौलूदन व मुंतुका याफ़ियन तुअल्लु बिमा अजनी अलैका व तुनहलु, कि बचपन में मैंने तुम्हारी ग़िज़ा का इंतज़ाम किया और जवान होने तक तेरी देखभाल करता रहा और तू इस उम्र तक पहुंच गया। गदौतुका मौलूदन व मुंतुका याफ़ियन तुअल्लु बिमा अजनी अलैका व तुनहलु इदा लैलतन दाफतका बिस्सख़्म लम अबत लसख़्मुका इल्ला साहिरन अतमलमलु, जब किसी रात तुम्हें कोई बीमारी लग जाती, कोई बीमारी पेश आती, एक बाप अपने बेटे की शिकायत, अपने बेटे के दर्द को अशआर के अंदर बयान कर रहा है। अशआर क्या पढ़ रहा है, इज़ा लैलतन ज़ाफ़तका बिस्सख़्म लम अबत लसख़्मुका इल्ला साहिरन अतमलमलु, कि अगर किसी रात तुम्हें कोई बीमारी लग जाती, कोई बीमारी पेश आ जाती, तो मैं उस बीमारी की वजह से तमाम रात बेचैनी और बेकरारी में गुजार दिया करता था तेरी वजह से, ताकि तेरी बीमारी ठीक हो जाए। इदा लैलतन दाफतक बिस्सख़्म लम अबत लसख़्मुक इल्ला साहिरन अलमलमलु कअन्नी अलल मतरूक दूनक बिल्लज़ी तुरिख्त बिही दूनी फ़ऐनी तुहमलु, गोया कि वो बीमारी ऐसा लगता था मुझे लग गई है, यानी बाप कह रहा है अपने बेटे के बारे में, जब मेरे बेटे को बीमारी लगती थी मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो बीमारी मेरे बेटे को नहीं लगी है बल्कि मुझे लग गई है। कअन्नी अदल मतरूक दूनक बिल्लज़ी तुरिख्त बिही दूनी फ़ऐनी तुहमलु तखाफुर रिदा नफ्सी अलैक व अन्नहा लतअलमु अन्नल मौत वक़्तुन मुअज्जलुन, और मुझे ये डर सताता रहता था कहीं तेरी हलाकत ना हो जाए, कहीं तेरी मौत ना वाक़े हो जाए, हालांकि मुझे भी पता था कि मौत का एक वक्त मुतय्यन है, मौत का एक वक्त मुतय्यन है, जो अपने मुतय्यना वक्त से और वक्त मौजूदा से न एक लम्हा पीछे आ सकती है, न एक लम्हा आगे आ सकती है। फलम्मा بلغت السن والغاية التي إليها مدي ما كنت فيك أؤمل, और जब तू जवान हो गया, जवानी के दहलीज पर जब तुमने कदम रखा, जैसा कि हर माँ बाप की यह ख्वाहिश हुआ करती है, जब मेरा बच्चा जवान होगा, जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा, तो मेरा दस्तो बाजू बनेगा, मेरी मदद करेगा, मेरी देखभाल करेगा, उसी तरह वो बाप कहता है, फलम्मा بلغت السن والغاية التي إليها مدي ما كنت فيك أؤمل, बस जब तुम इस उम्र को पहुंच गए जिसकी जिस उम्र में पहुंच कर लोग
तमन्ना क्या करते हैं, वो तमन्ना क्या करते हैं। फलम्मा बलغت السن والغاية التي إليها مدي ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفضادة كأنك أنت المنعم المتفضل। और जब तुम इस उम्र को पहुंच गए, तुम्हें चाहिए था कि तुम मेरी खिदमत करते, मेरी इताअत करते, मेरी फरमाबरदारी करते, मेरी हर हर बात को मानते, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक किया कि मेरा बदला सख्ती, सख्त कलामी और तुर्श रुई तुमने बना लिया। جعلت جزائي غلظة وفضادة كأنك أنت المنعم المتفضل। گویا کہ تم مجھ پر احسان کر رہے ہو, گویا کہ تم نے خود مجھے ہی پالا اور پوسا ہے, میں نے تم کو نہیں پالا ہے۔ یہ بے باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں, آخر میں باپ کیا کہتا ہے۔ فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی فعلت کم الجار المساقب یفعل۔ اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا تو کرتے, ایک شریف پڑوسی کے حق کو دیتے, کہ جس طرح ایک شریف پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ پیش آتا ہے, कम से कम तुम मेरा ख्याल तो करते। فليتك اذ لم ترى حق ابوتي فعلت كما الجار المساقب يفعل۔ और फिर आखिर में बाप कहता है अगर तुमसे इतना भी नहीं हो सकता तो कम से कम मेरे माल में तुम बुखल से काम तो ना लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाप की सारी बातों को सुन लिया तो आपने बेटे से मुखातब होकर फरमाया अंत व मालू का लिया बी का, जा तू और तेरा माल तेरे बाप के लिए है। और आपने गरीबान पकड़कर अपने यहां से उस नौजवान को भगा दिया। मोहतरम दोस्तों, वालदैन का मकाम व मर्तबा क्या है? अगर अल्लाह तबारक व तआला ने वालदैन के हुकूक को मुतअय्यन किया है तो वालदैन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चों की तरबियत करें और बच्चों की देखभाल करें और उनकी तरबियत और परवरिश का बेहतरीन इंतज़ाम करें। आज हमारा माशरा इस हद तक बिगड़ चुका है कि अगर माँ मोबाइल देख रही है तो उस मोबाइल देखने के अंदर बेटी भी शरीक है, बेटा भी शरीक है, यानी घर के तमाम अफराद शरीक है। अगर माँ सीरियल देख रही है तो साथ साथ बेटी भी सीरियल देख रही है। अगर माँ रील्स और शॉर्ट वीडियो देख रही है तो साथ साथ बेटी भी देख रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसका असर क्या पड़ेगा? अगर माँ हामला है और हमल के दौरान रील से देख रही है और इस शॉर्ट वीडियो के अंदर फर्श गाने सुन रही है, फर्श वीडियोस देख रही है, उस वीडियो का असर आने वाले बच्चों पर पड़ेगा। फिर याद रखना, अगर आपका एक ख्याल है आने वाला बच्चा मेरा फरमा बरदार बनेगा, मेरा मुतीब बनेगा, मेरा इताअत गुजार बनेगा, ये आपकी खाम ख्याली है, ऐसा नहीं हो सकता। आने वाला बच्चा डांसर बनेगा, नचनिया बनेगा, ना फरमान बनेगा, बद किरदार बनेगा, माशरे के अंदर आपकी नाक कटाने वाला बनेगा। क्यों? आपने पहले ही ऐसा काम किया था, आपने मोबाइल के अंदर शॉर्ट वीडियो के अंदर फर्श वीडियोस देखी थी, फर्श गाने सुने थे, मोबाइल का नाजायज इस्तेमाल किया था, उसका असर आने वाली औलाद पर पड़ेगा। आज हम अपने माशरे के अंदर एक तायराना नजर डालें, सारी बातें बिल्कुल हमारी नजरों के सामने हैं। आप मेरी हर हर बात से इत्तेफाक करेंगे, आप इस बात पर मजबूर होंगे कि मेरी हर हर बात से इत्तेफाक करो। आज हमारा नौजवान तबका बिल्कुल दीन से दूर होता चला जा रहा है, सच्ची बात, दीन से दूर होता चला जा रहा है। हालांकि इस नौजवान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल कयामत का दिन होगा, मैदान महशर के अंदर जहां
सख्त धूप होगी, अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। वो खुशनसीब सात आदमी होंगे जिनको अल्लाह तबारक व ताला अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। उनमें से वो नौजवान भी होगा जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारी होगी। अल्लाह तबारक व ताला उस नौजवान को अपने अर्श के साए में जगह देगा। आज हमारा नौजवान ये समझ रखा है कि अल्लाह ने जवानी दी है, जवानी का भरपूर फायदा उठा ले, जवानी के मज़े ले ले। याद रखना, इस जवानी चंद रोज़ा है, कल हमारा बचपना था। एक वक्त आया हम जवानी की दहलीज पर पहुंच चुके हैं, वो वक्त भी आने वाला है जब हम बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएंगे, और फिर वो वक्त भी आने वाला है हमें कब्र के गड्ढे के अंदर लोग कंधे पर उठाकर ले जाकर डाल देंगे, और फिर हाथ झाड़ते हुए वापस आएंगे। हाथ झाड़ने का मतलब ये होता है अब आप जाने, आपका काम जाने, ये कब्र है, कब्र के अंदर मुनकर नकीर होंगे और उनके सवालों का जवाब आपको देना है। बाप के अलावा कोई आपका साथ देने वाला नहीं। सही बात। उसकी तैयारी करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये मुख्तसर सी जिंदगी दी है। इस जिंदगी का हमें फायदा उठाना है और इस जिंदगी को अल्लाह तबारक व ताला की इताअत में, उसके इबादत में गुजारनी है। वक्त मुख्तसर है और शुआरा की फहरिस्त लंबी है, इसलिए मैं अपनी इन्हीं चंद बातों पर इख्तिताम करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।